हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड दैट कुक्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम ग्रीन पी पुलाव राइस बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 2 बाटी चावल धो के भीगा हुआ, 2 बड़े अनियन चॉप किए हुए स्लाइस में, नमक, हल्दी, यह है कोकोनट, फ्रेश कोकोनट का दूध निकला हुआ। 2 बाटी चावल है तो हमें 4 बाटी मिल्क चाहिए। एंड यह है फ्रेश मटर, हरे मटर, 1 बर्तन जिसमें हम चावल पकाएंगे। एंड खड़े मसाले जिसमें हमने लिया है लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है एंड काली मिर्च है और थोड़ा सा ज़ीरा। अब सबसे पहले बर्तन में हम 1/2 तेल लेंगे, मतलब 2 चम्मच तेल लेंगे, 2 चम्मच घी लेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। अब ये गर्म हो जाए तो हम सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। जीरा जैसे ही क्रैक होने लगेगा तो हम सारे खड़े मसाले डाल देंगे इसमें। और इसे हम कवर कर देंगे ताकि जो लौंग है वो फूटता है तो ये फूट के मुंह के ऊपर ना आए। अब हम इसमें अनियंस डाल देंगे स्लाइस किए हुए एंड वापस से ढक देंगे ताकि उसकी जो भी पूरी भाप है, जो भी खुशबू है वो प्याज में आ जाए। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये प्याज को हमें पकाना है लेकिन ब्राउन नहीं करना है। थोड़ा सा हमने इस प्याज को लगता है उतना नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी गई उसमें। एंड अब हम इसमें कोकोनट मिल्क जो है वो डाल देंगे। ये कोकोनट मिल्क चावल से दुगना लेना है, 2 बाटी चावल है तो 4 बाटी कोकोनट मिल्क लेना है। एंड उसमें हम मटर डाल देंगे हरे। अब हम इसे उबाल लेंगे अच्छी तरह से। जब पानी उबलने लगे, कोकोनट मिल्क उबलने लगे, तब हम इसमें भीगा हुआ चावल डाल देंगे। ये जो मैंने बासमती चावल लिया हुआ है 2 बाटी, अब देखिए ये अच्छी तरह से उबलने लगा है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये चावल धो के भिगाने से क्या होता है, जो चावल होता है उसका जो स्टार्च होता है वो छूट जाता है पानी में, चावल जो है स्टिकी नहीं बनता है। तो उसके लिए पुलाव बनाने के पहले चावल भिगाना ज़रूरी होता है, कम से कम 1/2 घंटा। अब हम इसमें चावल का नमक डाल देंगे एंड एक उबाल आने तक रुकेंगे। जैसे ही एक उबाल आ जाता है, गैस स्लो फ्लेम पर करके ढक के हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद आप चेक करेंगे आपका चावल पक चुका होता है। ये देखिए, ये 10 मिनट के बाद है जो हमारे चावल पक चुके हैं, अभी रेडी है सर्व करने के लिए। लेकिन सर्व करते टाइम ध्यान रखिएगा कि चावल टूट ना जाए, एकदम हल्के से उसे निकालना है। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।